अगर हमने 2 महीने की सैलरी को प्रति रोक लगाई है तो इसलिए लगाई है कि हम सब लोगों को, समाज के सभी वर्गों को ये सोचना है कि हमें आने वाले समय में अपने आप को डिसिप्लिन करना है। अगर फाइनेंशियल जो अफेक्ट पड़ा है वो एम्प्लॉयज पर ही पड़ रहा है। हिमाचल जहां एक और बारिश बाढ़ जैसी आसमानी आफतों को झेल रहा है, वहीं हिमाचल पर आर्थिक संकट की मार भी पड़ती दिखाई दे रही है। तंगहाली से जूझ रहे प्रदेश की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि इस महीने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को 2 तारीख को भी वेतन या पेंशन नहीं मिल पाए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि महीने की शुरुआत के 2 दिन में सैलरी नहीं आई है और अब इस मामले में सुक्खू सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। फिलहाल सरकार कर्मचारियों की सैलरी देने पर मंथन कर रही है, लेकिन 5 सितंबर के बाद ही सैलरी आने की उम्मीद जताई गई है। जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर को रविवार होने की वजह से सोमवार को कर्मचारी और पेंशनर्स दिन भर सैलरी क्रेडिट के लिए मोबाइल पर मैसेज चेक करते रहे। इस दौरान कर्मचारी एक दूसरे से ये भी पूछते रहे कि क्या सैलरी आ गई, लेकिन शाम तक पुलिस, राजस्व, फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी जैसे कई विभागों के कर्मचारियों की सैलरी क्रेडिट नहीं हुई। बहुत से कर्मचारियों ने सोशल मीडिया के जरिए भी अपना गुबार निकाला और बताया कि ये पहली बार 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है। फाइनेंशियल जो अफेक्ट पड़ा है वो एम्प्लॉयज पर ही पड़ रहा है। हम अपनी वेजो या सैलरी को लेकर हर महीने की आखिरी तारीख के इंतजार में रहते हैं। तो सवाल यह है कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो उसके लिए नल नहीं बंद किया जाता है, बल्कि उसके लूप होल्स के लीकेज कहाँ है, उसको रिफॉर्म या उसको ठीक करने की सरकार को जरूरत है। आपकी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं उसमें आपको पॉलिसी एंड प्लानिंग पर जो ईयर का बजट बनता है, बजटेड आपके पास जो सैलरी हेड है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। उसमें आपका पेंशन का भी होता है, उसमें आपका सैलरी का भी होता है, उसमें आपका मेडिकल भी होता है। क्या गवर्नमेंट ये डाइवर्ट कर रही है ये पेंशन और सैलरी और उसका पैसा कि कहां इसको यूज कर रही है? क्योंकि एक वेस्टेड राइट एक्रूअल बेनिफिट है जो 1/16 से लोगों को मिल रहा है। और ये वेस्टेड राइट एक राइट टू प्रॉपर्टी में भी आता है कि जो चीजें ग्रेचुटी है, आपकी लीव इन कैशमेंट है, आपकी सैलरी है, जो डिफरेंशियल अमाउंट है, वो एक अनलिमिटेड टाइम के लिए कर्मचारी वेट नहीं कर सकता। वो उनकी एक जमा पूंजी है, अर्न्ड पूंजी है जिसको बोला जाता है, और उस पर इस तरह की रोक लगाना वो गलत है। आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अपने आंकड़े रखे हैं। सरकार के अनुसार राज्य सरकार राजस्व घाटा अनुदान और लोन लिमिट में केंद्र सरकार ने कटौती की है, इसी वजह से हिमाचल में आर्थिक संकट आया है। वित्त वर्ष में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में 1800 करोड़ की कटौती की गई और अगले साल ये रकम 3000 करोड़ होगी। ओल्ड पेंशन योजना लागू होने की वजह से एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बदले मिलने वाला 2000 करोड़ लोन इस बार नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आर्थिक संकट पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम ने सदन में जवाब में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कुप्रबंधन से प्रदेश में अब आर्थिक संकट आया है, लेकिन क्या ये वाकई पूर्व सरकार की गलती है या इस सरकार की गलती? कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल मेस हो गया है, पैसे नहीं, ऐसा नहीं है, ये रिफॉर्म है। अगर हमने 2 महीने की सैलरी को प्रति रोक लगाई है तो इसलिए लगाई है कि हम सब लोगों को, समाज के सभी वर्गों को ये सोचना है कि हमें आने वाले समय में अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अनुशासित करना है। ये एक ऐसी व्यवस्था 40 साल से चल रही है जिसमें सुधार करने की जरूरत है, और मैं सुधार कर रहा हूँ और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस सुधार से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। इस समय सुक्खू सरकार का सुखचैन छिन चुका है ये कहना गलत नहीं होगा। कुदरत की मार और ऊपर से आर्थिक संकट, सीएम सुक्खू इस संकट से कैसे पार पाएंगे ये काफी बड़ा सवाल है। लेकिन जिनका घर पेंशन पर ही निर्भर है, ऐसे लोग कैसे अपना घर चलाएंगे ये
सोचने वाली बात है।